और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम और एजेंडा ब्रिगेड फाइल्स का विश्लेषण देखिए। पहले एक विदेशी एजेंडाधारी ने कश्मीरी हिंदुओं के जख्मों पर नमक छिड़का, उसके बाद देसी तंत्र के कई लोग विदेशी एजेंडाधारी के समर्थन पे कूद पड़े। हमारे ही मुल्क के अंदर गिरजा टिक्कू को बीच में आरे से काटा गया था, हमारे ही देश के अंदर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था, 5 लाख कश्मीरी पंडितों को विस्थापित होकर दिल्ली, जम्मू और मुंबई में जाना पड़ा था। हमारे सामने तस्वीरें हैं, लेकिन हमारे ही देश के कुछ एजेंडाधारियों को लगता है कि एक विदेशी का प्रोपेगेंडा बहुत बेहतर है भारत के सत से। कल को ये 84 के दंगों को डिनाई कर देंगे, 47 के पार्टीशन को डिनाई कर देंगे, किस किस चीज को डिनाई करेंगे इस देश के अंदर। बढ़ता हूं मैं आगे, बड़ा तथ्य, इसराइल के राजदूत ने इस पूरे मुद्दे पर माफी मांगी है और अपने देश के फिल्मकार को फटकारा है, कहा है कि मैं माफी मांगता हूं, जिस तरह की बेशर्मी दिखाई है फिल्मकार ने वो नाकाबिले तारीफ है। मैं बढ़ता हूं आगे, पुराना पैटर्न अब आपको मैं दिखाता हूं। किसान आंदोलन हुआ था, ग्रेटा थनबर्ग और बड़ी सारी एजेंडाधारी इंटरनेशनल एजेंडाधारी आई थी, मियां खलीफा जो कि एक पॉर्न स्टार है वो भी आई थी जी, और उसने किसान आंदोलन के दौरान भी ठीक ऐसे ही पैटर्न अपनाया गया था और यहां पर भी भारत के एजेंडाधारियों ने उस पैटर्न को अपना लिया था। आर पार का सवाल है, क्या कुछ लोगों को इसराइल की सरकार से ज्यादा एक एजेंडाधारी पर भरोसा है, भारत की सरकार से ज्यादा अपने विस्थापितों से ज्यादा उस एजेंडाधारियों पर भरोसा है? मेरे साथ आज